कुर्बान अली साहब, आप अधिकतर संविधान की बात करते हैं, जहाँ भी होता है सामाजिक बराबरी का अधिकार की बात करते हैं, तो ये संविधान है क्या और संविधान लिखने की क्यों आवश्यकता पड़ी और संविधान के फायदे क्या हैं वो भी बताएं। देखिए, आप जानते हैं कि हमारा देश हजारों साल से जातिगत आधार पर चलता आ रहा है। आज भी जाति इस देश की एक सच्चाई है और देश का बड़ा हिस्सा जातिगत संरचना में जकड़ा हुआ है। अंग्रेज ने भले ही हमारे ऊपर हुकूमत की और कुछ अच्छे कानून भी बनाए, हमें लोकतंत्र की तरफ प्रमोट भी किया, लेकिन जो जाति थी वो कभी भी उसने जो इस देश के बहुजन हैं, दलित और पिछड़े, गरीब आवाम, आदिवासी लोग, उनको अधिकारों से वंचित रखा। और डॉक्टर अंबेडकर ने ख़ुद चूँकि इसको सफ़र किया था और देखते थे वो कि उनकी पूरे जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं उसमें, तो उसमें यही था कि जाति व्यवस्था, जाति की जड़ क्या है कि साहब मनुस्मृति, मनुस्मृति में क्या है कि साहब चार हिस्सों में बांट दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी के आधार पर आपका समाज बनेगा, देश चलेगा। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और संविधान ड्राफ्ट किया डॉक्टर अंबेडकर ने, तो उन्होंने कहा साहब ये अब आपने चला लिया, अब तक अब ये नहीं चलने वाला है आज़ाद हिंदुस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा कि सबके अधिकार बराबर होंगे, सबको अवसर दिए जाएंगे, ख़ासकर दलितों को विशेष अवसर दिए जाएंगे क्योंकि वो हिस्टोरिकली पिछड़े रहे हैं, और इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसका प्रावधान किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद, आरक्षण तय हो जाने के बावजूद, आज तक 70 साल में इस देश में कभी भी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया। कभी भी जितने सीटें हैं दलित जातियों के लिए, और अब तो उसमें मंडल आयोग के बाद पिछड़ी जातियां भी शामिल हो गई हैं, उनको कभी उनका पूरा हिस्सा नहीं दिया गया। अगर ये दे दिया गया होता तो शायद आज आरक्षण की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई होती, लेकिन वैसा नहीं किया गया। और जातियां जो थीं वो हर समाज के हर क्षेत्र में वो दबंग जातियां ही काबू उस पर काबिज़ रहीं। अभी मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी तो बहुत जाति से ऊपर उठ कर के सेकुलरिज्म की बात करती है, और गांधी जी ने हमेशा अनटचेबिलिटी के ख़िलाफ़ बात की और जाति तोड़ने की बात की, लेकिन वो जाति टूट नहीं पाई। और उसका आधार यही था कि सत्ता पे कब्ज़ा रखना है और इसलिए उसको येन केन प्रकार उस पर काबिज़ रहना है। लेकिन जब दलित और पिछड़ी जातियाँ थोड़ी समझदार हुई, उनमें चेतना आई, उनमें जागृति आई, और उन्होंने अपने राजनीतिक हितों को पहचाना और उसके हिसाब से वोटिंग करनी शुरू की, तो आप देख रहे हैं कि अब समाज बदल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर का कहना ये था कि ये कास्ट सिस्टम अगर ख़त्म नहीं किया गया तो ये नासूर बना रहेगा, और जो बना हुआ है आज भी हम देखते हैं कि हमारा एक दलित राष्ट्रपति है, लेकिन वो आज भी पुरी और नाथद्वारा के मंदिरों में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ किसी भी दलित को जाने की इजाज़त नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, और ये सिर्फ एक राष्ट्रपति के लिए ही नहीं है। आज भी हम आए दिन अखबारों में खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि किसी दलित व्यक्ति को शादी के दौरान दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया, अगर वो घोड़ी पर चढ़ता है तो उसे गोली मार दी जाती है, उसे जलील किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। आज कहीं भी दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अगर उस जो जो समाज है, ख़ास करके हमारे देहातों में जो एक ये जो लोग हैं जिनको कहा जाता है कि पूंजीवादी तो हैं ही वो लोग, वो एक साम्राज्यवादी मानसिकता के भी लोग हैं, सामंत हैं, जो वो लोग नहीं चाहते कि उनके सामने कोई दलित अच्छे कपड़े पहन करके जाए। बहुत खुद डॉक्टर अंबेडकर ने तो ये अपमान सहा ही, उसके बाद आज भी उनके 70 साल बाद बहुत सारे गांव में दलित
अपने घरों को नहीं जा सकते, उन्हें साइकिल से उतर के जाना पड़ता है, मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं तो वो खींच के लेके जानी पड़ती है और सर झुका के चलना पड़ता है। ये इससे बड़ी शर्म की बात मैं समझता हूँ कि नहीं कोई हो सकती। और दूसरी बड़ी शर्म की बात और बहुत अफसोस की बात ये है कि मनुवाद में यकीन रखने वाले लोग आज भी चोरी और सीना जोरी बहुत ही आँखों में आँख डाल करके सीना चौड़ा करके कहते हैं कि नहीं, हम तो उसी व्यवस्था को लागू करेंगे जो मनु बाबा ने मनुस्मृति के ज़रिए से बनाई थी। और इसको हम अदालतों में भी देखते हैं, हम पार्लियामेंट में भी देखते हैं, इसको हम मीडिया में भी देखते हैं। आज तक इस देश में कोई दलित एडिटर नहीं हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रॉबिन जेफरी की किताब, उसने अपना शोध किया। और अभी जब डी राजा पहली बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दलित महासचिव हुए, तब मैंने एक लेख लिखा था कि आज तक जो समाजवाद और वामपंथ की बात करने वाली सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियां थी, उनका भी कोई अध्यक्ष या जनरल सेक्रेटरी कोई दलित नहीं हुआ। तो जब सोच आपके अंदर ये है, आप किसी को, और बात ये होती है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की कहावत है कि जो सास बहू को कहती है कि कोठी कुटले से हाथ मत लगाइयो, घर बार सब तेरा ही है, तो दिखावे के लिए बात करें, अरे साहब संविधान में आपको बराबर का अधिकार दिया, आपको कौन रोक सकता है प्रधानमंत्री बनने से, फिर क्या कारण है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी भारत में कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, किसने रोका है इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद। यानी सिख भी प्रधानमंत्री हो सकता है, आई के गुजराल जैसा एक छोटा पंजाबी जाति से आने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री हो सकता है, चरण सिंह जाट जैसी छोटी जाति से आने वाले, देवेगौड़ा एक छोटी जाति से कर्नाटक के आने वाले, वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, दलित नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के आर नारायणन को जब बनाया गया उस वक्त भी बड़ी हार्ट बर्निंग हुई, लेकिन अगर आप वाकई अपने आप को एक सिविलाइज देश कहते हो कि हाँ आपके यहाँ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो फिर मनुवाद को ख़त्म करना पड़ेगा। वो आपके धार्मिक विश्वास का हिस्सा हो सकता है, लेकिन पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में मनुवाद की कोई जगह नहीं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।